Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for GE, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 10 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about numerical problem based on electrochemical series. This lecture is very important for those students who are preparing for GE or NEET with 12th class. So let's start without delay, but kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. Aaj ke is lecture mein main lecture number 10 mein ये आपको जो न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना कंपलसरी है, जैसा मैं पिछले लेक्चर्स में आपको सिखा चुका हूँ. फिर भी हम आज कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी करना चाहिए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. सबसे क्वेश्चन का नाम है प्रॉब्लम नंबर 2. फर्स्ट प्रॉब्लम आपको प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं. कैन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन नंबर ए जिंक पॉट बी सिल्वर पॉट. क्वेश्चन का मतलब है कि क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं या फिर सिल्वर पॉट में स्टोर कर सकते हैं. कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कैसे पता लगेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है जरा समझिएगा. मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें ध्यान रखो, एक तो ये कॉपर सल्फेट है और दूसरा ये जिंक है और तीसरा सिल्वर है. पहले हम कॉपर सल्फेट और जिंक की बात कर लेते हैं. तो ये देखिए, ये है हमारा कॉपर. जिंक पहले समझा देता हूं. जिंक ZN 2 पॉजिटिव, ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं और इसी ट्रिक के थ्रू वर्क करेंगे आप. ZN 2 पॉजिटिव ऑब्लिक ZN. अगर किसी को रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे ZN2 पॉजिटिव ZN. तो ये इसको इस रूप में लिख दें, E नॉट यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये होता है माइनस 0.76. ये रिडक्शन पोटेंशियल है. अगर मैं इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और इसको मुझे लिखना पड़ेगा ई नॉट ZN टू ZN ऑब्लिक ZN टू पॉजिटिव. ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्रम में है तो ये माइनस की जगह हो जाएगा 0.76. ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. मैं दोनों के द्वारा समझा रहा हूं कि हमें किस में किसकी जरूरत पड़ेगी. ऐसे ही अब कॉपर की बात करते हैं. अगर कॉपर को मुझे लिखना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर होता है 0.34 वोल्ट. अगर इसे मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्रम में इसी को लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट. अब इसको कैसे लिखेंगे, सी यू को कन्वर्ट करूंगा मैं, सी यू इज कन्वर्टेड इनटू सी यू टू पॉजिटिव और ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे लिखा जाता है. तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 0.34. इतना समझ लीजिए. पहले मैं फर्स्ट ए नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. तो देखिए, सिंपल सा एक रूल है कि यदि किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो
एक्टिव यानी रिएक्टिव मेटल कहलाती है। हम कंपैरिजन दो की कर रहे हैं, जिंक और कॉपर की। अगर जिंक ज़्यादा एक्टिव है तो जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं रख सकते, और अगर जिंक कम एक्टिव है कॉपर से तो उसमें उसको स्टोर किया जा सकता है। तो देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल मान लीजिए, अगर आपको याद है या आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में कौन सी मेटल ऊपर आती है और कौन सी मेटल नीचे आती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज मुझे याद है, तो मैं वैल्यूज के आधार पर आपको सिखा रहा हूँ कि ये माइनस वैल्यू है तो कम मानी जाती है, प्लस वैल्यू है ज़्यादा मानी जाएगी, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो एक्टिव मेटल होगी, और उस एक्टिव मेटल में हम किसी दूसरी मेटल का सॉल्यूशन स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से उस मेटल को वो डिस्प्लेस कर देगा, जैसा मैं रिएक्शन के द्वारा भी अभी सिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर जिंक का यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में 0.34 है, तो ये कम है। तो इसमें इन दोनों में सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल कौन सी हुई? जिंक हुई। तो जिंक में अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखेंगे तो ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक पॉट, राइट। देखिए, ये रिएक्शन इस टाइप की होगी, मैं आपको रिएक्शन सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, ये दिया मैंने ZN सॉलिड, इसका जिंक पॉट है, और इसकी हमने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई, ये एक्वस सॉल्यूशन है, गिप्स लगाएंगे। तो देखिए, कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ये कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो अपन लिख सकते हैं कैन नॉट बी स्टोर्ड, यानी जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं रखा जा सकता। सिंपल सा ये रूल आपको बता दिया, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एक्टिव मेटल होगी, दूसरी उससे कम एक्टिव मेटल होगी। तो एक्टिव मेटल का अगर पॉट है तो उसमें उस दूसरी मेटल का जो सॉल्यूशन है उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो देखिए, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो इसमें स्टोर नहीं कर सकते, यानी रिएक्शन हो जाएगी। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ, अब बी का आंसर देखते हैं। बी में देखिए, ये सिल्वर है, तो फिर से हम इसी बात करेंगे कि यहां पर ई नॉट एजी पॉजिटिव ऑब्लिक एजी इज इक्वल टू, ये होता है 0.80 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल है सिल्वर का, इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो ई नॉट एजी ऑब्लिक एजी पॉजिटिव, ये इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 0.80। अब यहां पर देखिए, अब कॉपर और सिल्वर की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कॉपर का है माइनस 0.34 और सिल्वर का हो रहा है माइनस 0.80, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो यहां पर हम देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस 0.34, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो ये माइनस की वैल्यू, जितनी माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो ये कम मानी जाएगी, और जितनी कम होती चली जाएगी ये ज्यादा वैल्यू होगी। तो माइनस का 3.4 ज्यादा है, तो यानी कॉपर ज्यादा एक्टिव मेटल है, तो कॉपर एक्टिव मेटल ज्यादा है, सिल्वर उससे कम एक्टिव है, इसलिए इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखिए, सिल्वर एजी ऑब्लिक एजी पॉजिटिव, ठीक है, इसको मैं ई के रूप में लिखूंगा, ई नॉट इज लेस देन ई नॉट सी यू ऑब्लिक सी यू टू पॉजिटिव। ये देखिए, ये एजी कम एक्टिव है सी यू से, एजी कम एक्टिव है सी यू से, तो इसका मतलब हम कॉपर सल्फेट को सिल्वर पॉट में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। बड़ा सिंपल सा है। तो इस तरीके से अगर ऐसा है तो अपन क्या लिखेंगे, CuSO4 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर पॉट, ए इसका आंसर हो गया बी का। और ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर होगा CuSO4 कैन नॉट बी
stored in zinc pot. ये स्टोर नहीं कर सकते और इसको स्टोर किया जा सकता है और काय पे डिपेंड है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर. अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल याद है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो बस साइन को आपको चेंज करना है. और मैंने बता दिया जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिएक्टिव मेटल है, उससे कम वाला उससे कम रिएक्टिव है. तो रिएक्टेड मेटल का अगर पॉट है तो उसमें दूसरी मेटल के सॉल्यूशन को स्टोर नहीं कर सकते, वो इस तरीके से इसको डिस्प्लेस कर देगा. जैसे जिंक जो है एक्टिव मेटल है और कॉपर सल्फेट को उसमें रखा गया है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए ये इसमें नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वो कॉपर सल्फेट काय में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा जिंक सल्फेट में. आपको बात समझ में आई? ऐसा मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी सिखाया था और न्यूमेरिकल इसी टाइप का आपका आने वाला है और आप इसके फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पर जैसे इस तरीके से लिखा है ना, ऐसे इसको भी लिख सकते थे ये वाली बात को, ई नॉट जेड एन ऑब्लिक जेड एन टू पॉजिटिव इज ग्रेटर देन ई नॉट Cu ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव. तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा है तो इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पर इसका कम है तो इसमें स्टोर कर सकते हैं. तो चलिए इस टाइप के न्यूमेरिकल निकालने की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूमेरिकल्स आपको कैसे लगे. मैंने जो समझाया इसमें समय लगा आपको समझाने में, लेकिन ये क्वेश्चन को देखते ही ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है. सो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू.